अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक से दुआ आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, इस 14 अगस्त वाले खूबसूरत से हरे एंड वाइट सेट के साथ। ओके, सो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कैरमल कस्टर्ड। बहुत फरमाइश थी, बहुत सिंपल कैरमल कस्टर्ड। इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं, पतीली में स्टीम कर सकते हैं, इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, ठीक है। सो बहुत 3-4 अज्जा के साथ रेडी हो जाता है, सबका पसंदीदा होता है, सबको कैरमल कस्टर्ड अच्छा लगता है। इसको बना के एक दिन फ्रिज में रखिए, दूसरे दिन सर्व करिए। अगर हो सकेगा तो एक आध मैं रैमेकिन रख दूँगी, कल आपको दिखाऊंगी, दूसरे हम आपको आज भी दिखा सकते हैं और हम देखेंगे। सही है जी। सो सबसे पहले कैरमल कस्टर्ड के लिए उसका कैरमल बनाते हैं। सो यहाँ मेरे पास चीनी है, दानेदार चीनी, उसको आप गर्म होने के लिए एक स्टील के पैन में रख देते हैं। और यह मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील आयन का ये जो चूल्हा है, ठीक है जी। बिल्ट इन हॉब इसको कहते हैं। कांच जो ये है ये 750 डिग्रीज पे टेम्पर किया गया कांच है, ये टूटता नहीं है। और मैं बहुत सारी कुकिंग इस पे करती हूँ, इनफैक्ट एवरी शो रिक्वायर्स माय कुकिंग एंड वो मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ। इसके EPS बर्नर्स हैं, इसके नॉब्स बहुत अच्छे हैं, गर्म नहीं होते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और ये वाला बीच में का चूल्हा मेरा फेवरेट है, इसलिए कि इसके ऊपर ये जाली सी बनी हुई है जो छोटे बर्तनों को आसानी से होल्ड कर सकती है, वरना छोटे बर्तन ऐसे टॉपल हो जाते हैं। एंड माइक्रोवेव भी इनका है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्टील आयन का बिल्ट इन माइक्रोवेव मेरे सेट पे है। कुकिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग सब कुछ हम इसमें करते हैं। स्टेनलेस स्टील की कैविटी है, जंक नहीं लगता है उसमें। और मैग्नेट्रॉन्स जो हैं वो थाईलैंड के हैं, सेंसर टच वाला है ये। इसके अलावा अवन है जिसमें आज हम बेकिंग करेंगे, इस स्टील आयन का बिल्ट इन अवन भी है जिसमें बेकिंग मैं बहुत सारी करती हूँ, मुझे बहुत शौक है बेकिंग का। 3D अवन है इनका, फुल इलेक्ट्रिक, और 3 हीटिंग एलिमेंट्स इनके हैं। 72 लीटर्स की कैपेसिटी है, 9 फंक्शंस इसमें, डिफरेंट मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। और कन्वेक्शन फ़ैन है जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा जी, जश्न आज़ादी है तो उसके हवाले से हम टीवी ने एक समथिंग स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है। जश्न आज़ादी के इस ख़ास मौके पर आज़ादी का सही मतलब समझें, मुश्किल में सही रास्ता चुनें और दूसरों के लिए मशले राह बने। उम्मीद बने तुमसे, मुझसे, हमसे है पाकिस्तान। अच्छा, इसको मुझे रखना है थोड़ी देर के लिए, इसको हमें पिघलाना है, ठीक है। हो सके तो इसमें चमचा नहीं चलाइएगा, पानी पहले नहीं डालिएगा। पानी हम जब पहले डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि कैरमल का कलर थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसको अच्छा सा पिघलने दीजिए, ब्राउन होने दीजिए, लेकिन जल ना जाए, ठीक है। बिटर हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, वो लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई बात नहीं, ऑलवेज स्टार्ट अगेन। अगर मिस्टेक हो जाए, जली हुई चीनी से नहीं करिएगा, अजीब सा टेस्ट इसमें आएगा। और हम दूध गर्म करेंगे, यहाँ मेरे पास 2 कप दूध है। इसको हल्का हमने गर्म करना है। इसमें हम चीनी डालेंगे, से अबाउट 2 टेबलस्पून जितनी चीनी डालिएगा। ये दानेदार चीनी है, जल्दी इसमें पिघल जाएगी। और फिर मैं इसमें 4 अदद अंडे फेंटेंगे, वेनिला एसेंस डालेंगे। आज अंडे रखे हैं, वेनिला एसेंस भी रख देते हैं, ठीक है, इसके अंदर ही। और ये देखें, साइडों से आपको नज़र आएगा कि चीनी पिघलना शुरू हुई है, ठीक है। चमचा नहीं चलाइएगा, थोड़ा सा इस तरह मैं इसको स्टर कर रही हूँ। मुझे कैरमल बहुत पसंद है, मतलब कैरमल ज़्यादा होना चाहिए जब मैं कैरमल कस्टर्ड बनाती हूँ, कम मुझे नहीं अच्छा लगता है। सो आई वॉन्ट कि जब हम उसको ओवरटर्न करें तो ऐसे बहुत सारा कैरमल आए। मैं स्टील के पैन में कर रही हूँ, आप नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेक श्योर करिएगा सारे दाने पिघल जाएं, फिर आप वुडन चमचा चलाइएगा, ये स्पैचुलास वगैरह नहीं। दूध को आपने नीम गरम करना है, सो बहुत गरम नहीं कर दीजिएगा वरना अंडे स्क्रैम्बल हो जाएंगे, ठीक है। गरम करके आप छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जब ये कैरमल सेट हो जाएगा रैमेकिन्स में, उसके बाद उसके ऊपर फिर हम ये दूध डालेंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है हमसे, तो कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई बात करनी है, जश्न आज़ादी के हवाले से कोई बात करनी है। वीव गॉट फ्रेंच फ्राइज कटर इनेक्स की तरफ से एज अ गिफ्ट टू गिव आ कॉलर्स। आज SMS करने वालों को भी मिलता है, कॉलर्स को भी मिलता है। सो नंबर्स चल रहे हैं, जल्दी जल्दी हमें कॉल मिलाइए।
अब मेरा शो सैटरडे संडे यानी हफ्ता इतवार दोपहर में 3 बजे है, 3 से 4 लाइव, रात में 8:30 बजे रिपीट होता है, एंड आई थिंक हफ्ते में भी रिपीट होता है। आई हैव सीन इट बीइंग रन, हफ्ते में भी चल रहा है, आपको पता है टाइम? ये देखिए, हाँ जी, ये चीनी जब पिघलना शुरू हो जाए तब आप उसमें पानी डालेंगे, पहले उसको थोड़ा ब्राउन होने दीजिएगा, जल्दी नहीं करिएगा। सो इसको छोड़िएगा भी नहीं, ज़रा सी देर हो जाएगी तो ये कड़वा हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। जब पानी आप डालेंगे मेक श्योर कि आप दूर से डालें, पानी डालते वक्त उड़ता है ये, और उड़ता है और फिर वो हाथ पे लग जाएगा, सो जस्ट बी केयरफुल। दूसरी बात ये है कि पानी डालने के बाद चक्कर सी जाएगी चीनी, तो परेशान नहीं होइएगा। ये देखा, हो गया ना ये ब्राउन काफ़ी सारा, इस तरह चक्कर जाएगी चीनी और फिर खुद ही वापस लिक्विड हो जाएगी। सो हियर वी गो, अब ये क्लोज अप प्लीज़। ठीक है, ये देखा आपने, ये जकर सी गई, परेशान नहीं होइएगा, खुद पिघलेगी। जस्ट लीव इट ऑन द चूल्हा ओनली। ये पता है पानी मैंने क्यों डाला, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालती तो क्या होता कि जब हम इसको रैमेकिन में डालेंगे स्टीम होने चूल्हे पे या ओवन में बेक होने के लिए, तो वो नीचे से निकलेगा नहीं, इट हैज़ टू बी लिटिल लिक्विड। ये देखें, इस तरह हो जाएगी, परेशान नहीं होइएगा, पिघल जाएगी खुद ही। अच्छा जी, ऐसे है कि अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, इसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा ठंडा होने का, और फिर हम आपके साथ ये कैरमल कस्टर्ड बनाएंगे, हम अवन में इसको बेक कर देंगे आज टी लाइन के अवन में, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। अच्छा सा कोई मैसेज सोचिएगा, SMS करिएगा 8881 पे, और जीतिए फ्रेंच फ्राइज कटर NX की तरफ से आज गिफ्ट। स्टे ट्यून्ड। कस्टर्ड अज्जा, चीनी 6 आउंस, पानी आधा कप, अंडे 4 अदद, कस्टर्ड शुगर 1 आउंस, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, दूध 2 कप। जी वेलकम बैक, आई वाज जस्ट वेटिंग कि आप लोग आएँ, तो आप लोगों के सामने मैं आपको दिखा दूं कि रैमेकिन्स में आपने इस तरह तेल लगा के इसको ग्रीस करना है, मक्खन नहीं लगाइएगा प्लीज़, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये हो गया, अब जो चीनी मैंने पिघला दी थी उसको हम ध्यान से, बिकॉज इट्स वेरी हॉट, ठीक है, ये देखें पानी वापस लिक्विड फॉर्म में चीनी हो गई थी, पहले जकड़ गई थी ना जब मैंने पानी डाला था। नाउ बी वेरी केयरफुल, और आप चारों में इस तरह 4 बड़े रैमेकिन्स या 6 छोटे रैमेकिन्स का ये मिक्सचर है, इसमें आप डालते जाइए। रबर स्पैचुला से बेहतर होगा कि आप इस तरह का लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें, पूरा डाल के अब आप इसको ठंडा होने दीजिएगा प्लीज़, ये स्टेज याद रखिएगा। ओके, दूध लिया है 2 कप, उसमें हमने 1 आउंस यानी 2 टेबल स्पून भर के पिसी हुई चीनी डाली है जिसको मैंने यहाँ रख दिया था। दूध को बहुत गर्म नहीं करिएगा, उबालिएगा नहीं, नीम गर्म दूध जिसमें चीनी पिघल जाए। 4 अदद अंडे और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, ये डालिए और मिक्स कर दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये दूसरा बोल यहाँ क्यों रखा है, दिस इज़ फॉर स्ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है छानना, ठीक है, अंडे के बिट्स एंड पीसेस हमें अंदर नहीं चाहिए। पहले आप अंडों को अच्छी तरह विस्क करिए इस तरह। अच्छा, स्टील लाइन का बिल्ट इन अवन दिखाइए, उसमें आपको भाप निकलती हुई नज़र आ रही होगी, इसलिए कि मैंने इसके अंदर एक ट्रे रखी है जिसमें मैंने पानी डाला है स्टीम में। सो अंडे, चीनी, दूध और वेनिला एसेंस, बस, कितना आसान, अच्छी तरह मिक्स कीजिए और छान लीजिए। ये छन्नी जो है ना, इसको मुझे ऐसे पकड़ के करना पड़ेगा। स्मूथ होना चाहिए बैटर हमारा, अंडे के पीसेस नहीं आए।
हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 888-1 पे। पाकिस्तान के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से कुछ भी कहना है तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, और आप जीत सकते हैं फ्रेंच फ्राइज कटर एनएक्स की तरफ से, जो गिफ्ट है। अब डिड यू सी, ये इस तरह इसमें जो भी बिट्स एंड पीसेज होंगे वो इसमें सारे रह जाएंगे या काम ख़त्म इसका। अब हमें इसको गोल चम्मच ले लूँ मैं, जिससे आसानी से मैं उसको पोर कर सकूँ। सो इसको मैं रखती हूँ अवन में, स्टील आइन के बिल्ट इन अवन में। उसके बाद हम एक कैंपेन आपको दिखाएंगे जो हम टीवी ने बनाई है। सो जब ये आपको लगे कि दिस इज लिटरली लाइक लिटिल सेट, तब आप इसके ऊपर ये डालिए। ठीक है, ये बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अंडे के पीसेस इसमें नहीं आए। और प्रेफरेबली इसको आप एक दिन फ्रिज में ठंडा करिए, जब बेक हो जाए या स्टीम हो जाए चूल्हे पे बाहर रखिए, 2-3 घंटे बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्लिंग लगा के या फॉइल लगा के फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद आप उसको दूसरे दिन सर्व करिए। सो डिज़र्ट्स, मोस्टली जो डिज़र्ट्स होते हैं वो हमेशा मैं आपको कहती हूँ ना, एक दिन बाद बेहतर, वो ठंडा भी होता है, चिल होके आराम से वो ओवरटर्न भी हो जाएगा। अब मैंने पूरे पूरे नहीं भरे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट कि थोड़ी सी जगह रहे फॉर राइजिंग। इसमें राइजिंग एजेंट बस अंडा है और तो कुछ भी नहीं है। बस अब मैं आई एम टेम्पटेड टू पुट मोर बट आई विल नॉट, इसमें से एक और बन जाएगा। नाउ दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू बिकॉज वो भाप बहुत निकलेगी जब मैं वहाँ जाऊँगी। सो हाथ बचा के इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए, कैन यू सी, इतनी सारी स्टीम बाहर आई। अब हाथ बचा के आई पुल द जाली आगे थोड़ा सा, ताकि ठीक है, इसमें पानी है, पानी की भाप से ये स्टीम हो जाएगा। आराम से हाथ बचा के आई विल बी बैकिंग यू, बट मैं इधर आपसे बात करती रहूँगी। ठीक है, इस तरह रख दीजिए। पानी के साथ भी आप रख सकते हैं पूरी ट्रे को, लेकिन आई वॉन्टेड कि पहले इसमें भाप बनना शुरू हो। डन। अच्छा, यहाँ आई तो मुझे नज़र आया कि हमारा मसाला टीवी फूड मैगज़ीन भी आ गया है विथ आर शेफ़ अली ऑन द कवर। इट्स फॉर 250 रुपीज़ नाउ, और इसमें बहुत सारे हमारे सारे शेफ़्स की इनफैक्ट रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और देखते हैं कि फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ हैं। सो हियर एम आई विथ बीफ बोलोगनीज, ठीक है, और चिकन बर्गर, पर्शियन फिश कबाब्स, फिश बाइट्स, स्टर फ्राइड बीफ, स्पिनच चीज़ी पास्ता, वेजिटेबल मिन्स लज़ानिया, एंड दैट्स अ मैगज़ीन। ज़रूर खरीदेगा, ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स हैव इट। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ये हो गया। यहाँ आपको इनिक्स का फ्रेंच फ्राइज कटर नज़र आ रहा है, आराम से आप फ्रेंच फ्राइज काट सकते हैं। शेफ़ कुकवेयर है, द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग, इसके बारे में भी मैं आपको बताती चलूं कि शेफ़ कुकवेयर पाकिस्तान का नंबर वन कुकवेयर ब्रांड है, पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग फर्स्ट प्रेशर कुकर इन्होंने बनाया था। पायनियर्स हैं ये लोग नॉन स्टिक टेक्नोलॉजी के भी, और 100% फूड ग्रेड मटेरियल से इनका कुकवेयर बनता है। जो सारे बर्तन हम इस्तेमाल करते हैं ये शेफ़ कुकवेयर के हैं। प्रेशर कुकर बहुत अच्छा है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर एनोडाइजेशन का भी है, जिससे अंदर का सरफेस बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लंबा अरसे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये फटते भी नहीं है, लाइफ टाइम ब्लास्ट प्रूफ वारंटी के साथ है। नॉन स्टिक के जो सारे बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं वो भी उन्हीं के ही हैं। सो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग फॉर योर किचन। ओके जी, सो एज आई टोल्ड यू कि हम कैरमल कस्टर्ड रखने के बाद आप लोगों को एक कैंपेन दिखाएंगे। सो इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि जश्न आज़ादी के इस खास मौके पर आज़ादी का सही मतलब समझें, मुश्किल में सही रास्ता चुनें, और दूसरों के लिए मशाल राह बने, उम्मीद बने तुमसे, मुझसे, हमसे, पाकिस्तान। अब हम चल के कैंपेन देखते हैं।
जो अंधेरी रातों में सही करने से पहले इधर उधर नहीं देखते, हम उन्हें देखते हैं। जिगर दरीदा हूँ, चाके जिगर की बात सुनो। जो मसाइल के अंधेरों में भी इल्म को चुनते हैं, हम उन्हें सुनते हैं। कलम रसीदा हूँ, दामान तर की बात सुनो। उम्मीद शहर की बात सुनो, उम्मीद शहर की बात सुनो। जो खतरों की राह में तन्हा चलते हैं, हम उनके साथ चलते हैं। सुबह बुरीदा हूँ, जख्म गुलू से हर्फ करो। जो शाबाशी नहीं पाते, बस जिम्मेदारी निभाते, हम उनको मनाते। शिकस्ता पाऊं, मलाले सफर की बात सुनो। उम्मीद शहर की बात सुनो, उम्मीद शहर की बात सुनो। मुसाफिर रहे सहराए जुल्मते शब से। जो ढाल बनते हैं दूसरों की, हम उनकी आवाज बनते हैं। इल्तिफाते निगार शहर की बात सुनो। जो इस मुश्किल वक्त में भी आजादी का हक अदा करते हैं, सही फैसले, सही बात और सही काम करते हैं, वही हीरो कहलाते हैं। तो आओ बने हम भी एक उम्मीद, क्योंकि तुमसे, मुझसे, हमसे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर चिकन मजबूस रेसिपी। जो है उसके लिए तेल आपने लिया है, 2 से 3 टीस्पून मैं लेती हूँ, ज़्यादा तेल में लेती ही नहीं हूँ। शेफ नॉनस्टिक कुकवेयर में आराम से खाना पक जाता है, कुछ लगता भी नहीं है नीचे। ओके सो प्याज है यहाँ, एक बड़ी प्याज है, उसको चॉप कर लें या स्लाइस कर लें, उसको आप इसमें तल लीजिए। फिर यहाँ नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, तेज़पत्ते यानी बे लीव्स हैं, और ये साबुत गर्म मसाला है जिसमें मेरे पास यहाँ छोटी वाली गोल वाली लाल मिर्चें हैं, लौंग है, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है और छोटी हरी इलायची है। ठीक है जी, तो पहले तो हम करेंगे इसको सॉटे, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर देंगे। अच्छा अवन में जा चुका है कैरमल कस्टर्ड, बहुत आसान था। 2 से 3 बड़े टेबलस्पून्स भर के मैंने दानेदार चीनी ली थी, एक पैन में स्टेनलेस स्टील के पैन में डाल दिया था, उसमें जल्दी वो ब्राउन हो गई। जब वो ब्राउन हो जाए तब आप उसमें आधा कप पानी डालिएगा, पहले से पानी नहीं डाल दीजिएगा, वो ब्राउन नहीं सही तरह होती है। ठीक है, फिर जब आप पानी डालेंगे वो जकड़ जाएगी, परेशान नहीं होइएगा, उसको खुद ही पिघलने दीजिएगा, दोबारा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद उसको ग्रीस किए हुए 4 रैमकिंस बड़े वाले मैंने लिए हैं उसमें डाल दिया, पहले तेल से ग्रीस करिएगा फिर वो चीनी को डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर जब वो चीनी थोड़ी सी लगे आपको कि सेट हो गई है, एक आध घंटा छोड़ दीजिएगा, मैंने फौरन कर लिया है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। फिर आप एक पैन में 2 कप दूध गर्म करिएगा, उसमें 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई चीनी मैंने डाली थी ताकि जल्दी घुल जाए, और दूध को बहुत गर्म नहीं कर दीजिएगा, उबाल के कोई आधा वाधा नहीं करना है, सिर्फ नीम गर्म करना है, फिर ठंडा करना है। उसमें 4 अदद अंडे फेंट के डालने हैं, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं था। ठीक है, और सब कुछ मिक्स करके फिर छन्नी से छानना बहुत ज़रूरी है ताकि कैरमल कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ सा हो। उसके बाद फिर आपने उसको रैमेकिंस में डाल के अवन में रख देना है। एक बहुत बड़ा बर्तन लीजिएगा, रोस्टिंग पैन जैसा, जिसके हाई ऐसे एजेस हों जिसमें आप पानी भर सकें, उसमें फिर आराम से जेंटली केयरफुली आप वो रैमेकिंस रख दीजिएगा, और 160 डिग्रीज पे अगर करेंगे तो 40 मिनट लगेंगे। मैंने ज़रा ज़्यादा किया है टेम्परेचर बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉन्ट के जल्दी से बन जाएं और आपको हम दिखाएं। आज मैं इसको उल्टा नहीं करूंगी, दिखाऊंगी नहीं ओवरटर्न करके, आज नहीं, इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर कल हम आपको दिखाएंगे। सही है जी, कल मैं बनाऊंगी चाइनीज़। सो ड्रैगन चिकन है, बहुत मज़ेदार सा स्पाइसी सा एक चिकन का की रेसिपी है, और वेजिटेबल वाले चावल हैं, देखिएगा कौन से वेजिटेबल्स मैं उसमें डालूंगी कल, और उसके साथ कल हम बैनोफी पाए आपको बनाना सिखाएंगे। सो अगर आप मेरे साथ साथ कल की रेसिपी बैनोफी पाए बनाना चाहते हैं तो एक टिन लीजिएगा, पूरा बंद टिन कंडेंस मिल्क का, उस पर एक बड़े से पतीली में रखिएगा, इतना सारा पानी डालिएगा ताकि वो टिन पूरा अंदर सबमर्ज हो जाए, पूरा अंदर पानी में हो। ठीक है, और फिर उसको आप हल्की आंच पे 4 घंटे छोड़ दीजिएगा अगर आपके पास गैस है तो। सही है, मेरे पास कल थी तो मैंने कर दिया था ये काम। टिन को बंद ही रहने दीजिएगा, टिन को खोलिएगा नहीं। जी आप क्या फरमा रहे थे?
आवाज़ नहीं आ रही सही तरह, इसलिए कह रही हूँ, कुछ कह रहे थे। अच्छा जी, अब आपने इस प्याज को यहाँ करती हूँ, ठीक है। प्याज ज़रा गोल्डन हो जाए फिर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे और अदरक लहसुन और नमक डालेंगे। फिर चिकन इस तरह के लेग्स हैं, ठीक है, ये जाएंगे। आई वांट टू वॉश दिस एंड ब्रिंग दिस। चिकन के जिस तरह के भी पीसेज आपको यूज़ करने हो, बोन इन चिकन होना चाहिए ताकि हड्डियों से भी अपना एक अच्छा सा सूप निकलता है। फिर चिकन जब हो जाएगी उसको निकाल देंगे, या फिर उसी में आप, इज दैट बेटर, दैट चूल्हा बेटर फॉर माई टॉप कैमरा, तो मैं यहाँ से करती हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, बिकॉज वहाँ ज़रा आज बैठ नहीं रहा था। आई डोंट वॉन्ट टू पुट दिस जल्दी बिकॉज आई वॉन्ट कि इसमें अच्छी तरह रंग आ जाए। तेज़पत्ता, अदरक लहसुन और नमक और चिकन। अब डोंट बी टेम्प्टेड कि आप ओवन का दरवाज़ा खोल के बार बार चेक करते रहें, जो टाइम लिखा है उसी पर रखिएगा। अगर 160 पे कर रहे हैं तो 40 मिनट लगेंगे, मैंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया है तो जल्दी हमारे ओवन में हो जाएगा। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे हुआ कि नहीं, तो आप स्कूअर हल्का सा डालिएगा, साफ निकलना चाहिए स्कूअर, इसका मतलब है आपके अंडे बेक हो गए हैं, कस्टर्ड बेक हो गया है। सिमिलरली अगर आप चूल्हे पर इसको करना चाहते हैं, ओवन नहीं है, तो एक बड़ी सी पतीली में जाली रखिएगा, इस तरह की जालियाँ नहीं होती हैं वायर की, जाली रखिएगा, पानी भी भर सकते हैं आप उसमें, ठीक है, जाली रखिए, पानी भरिए और वो रैमेकिन्स को जाली के ऊपर रख दीजिए, और फिर रैमेकिन्स में पानी ना जाए या भाप ना जाए तो उसके ऊपर आप बंद कर दीजिए फॉइल के साथ उसको, बस। और फिर उसको आप 20 से 25 मिनट स्टीमर में स्टीम होने दीजिए पतीली में, और फिर आप वो इंसर्ट कर दीजिए, कॉकटेल स्टिक या बैम्बू स्टिक या स्कूअर, और फिर आपको पता चल जाएगा हुआ कि नहीं। चूल्हे पे भी बना सकते हैं लेकिन मुझे ओवन में बेकिंग पसंद है ना। अच्छा जी, अब आप इसमें डालेंगे साबुत गरम मसाला, लाल वाली मिर्चें हैं और तेज़पत्ता है, अदरक लहसुन जाएगा, एंड नमक। फिर इफ़ यू वांट आप चिकन निकाल देंगे, और फिर चिकन निकालने के बाद वंस इट्स डन फिर आप उसमें चावल शामिल करेंगे मसालों के साथ। अब मसाले क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ मसालों में लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, सॉरी ज़ीरा पाउडर है, और हल्दी है, काली मिर्चें हैं, ब्राउन अनियन ऊपर से जाएगा, चावल भिगो के रख दिए हैं 2 कप, मुजफ्फरगढ़ से फातिमा है जी, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज जबरदस्त आप बना रही हैं, लेकिन आज मीठा बड़ा मुश्किल लग रहा है बनाना, मीठा जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जिस तरह क्या मुश्किल लग रहा है, सॉरी क्या मुश्किल लग रहा है आपको? मीठा मीठा जो आप बना रही हैं, कस्टर्ड मीठा मुश्किल लग रहा है बनाना। क्यों मुश्किल लग रहा है बताइए? उसमें वो जो आपने वो बनाया ना शीरा, उसका बनाया है वो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि खराब ना हो जाए हमसे। कैसे खराब होगा? चीनी है सिर्फ, चीनी को पिघलाइए, ठीक है, चीनी को पिघलाइए और उसमें पानी डालिए, जब वो ब्राउन हो जाए फिर वो जकड़ सी जाएगी, परेशानी होगा, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, दोबारा वो पिघल जाएगी, फिर उसमें डाल दीजिए वो कैरमल हो गया। आप बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं कैरमल कस्टर्ड खाते हैं, है ना, खाते हैं ना, बस। तो फिर ये आसान तरीका घर में बनाने का ट्राई करिएगा जरूर। जी ज़रूर, और पाकिस्तान का 14 अगस्त आ रही है, पाकिस्तान का दिन आ रहा है, तो मैं सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगी, और हम सबको अपने मुल्क के लिए दूंगी। आप भी कह जब बोलती हैं तो आप यही कहती हैं ना कि पाकिस्तान मेरा घर है, तो पाकिस्तान हम सब का घर है, और इसके लिए हमें बहुत मिलकर काम करना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसके लिए काम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क सबसे बेहतरीन मुल्क बन सके। और मैं इसके सिलसिले में ये भी कहूँगी, मैं कुछ सुनाना चाहूँगी आपको, कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त खिलाना होगा,
कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेल सेड जी। क्या कह रहे हैं आप, जो सुनाई नहीं दे रहा। कैंपेन, ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर कैंपेन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था जी। वेलकम बैक। क्या हुआ है अब यहाँ कि चिकन हमारी गल गई है, ठीक है। अब चिकन जब गल जाए तो आपने इसको निकाल देना है बाहर, फिर आपने इसी में, इसी ग्रेवी में चिकन के स्टॉक के साथ मसाले हैं, प्याज वगैरह हैं, चावल को शामिल कर देना है और पानी हमने इसमें डालना है, बिकॉज मैंने पानी कम डाला था, चिकन तो भाप में ही गल जाती है। और फिर हम इसमें हम डालेंगे पानी और चिकन को क्या करेंगे, आप सोचेंगे ये मसालों को क्या मैं करूँगी, इन मसालों के साथ चिकन को हम फ्राई करेंगे। चावल में पानी डाल दीजिए, लेट दिस कुक, ढक्कन ढाक दीजिए इसको। और अब यहाँ मैं तेल लूँगी, विल फ्राई आवर चिकन, ठीक है। अब जो ये चिकन है उसमें हम मसाले डालेंगे, थोड़ा सा हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम नमक तो डाल चुके थे, लाल मिर्चों का पाउडर है और काली मिर्चें हैं कुटी हुई या पाउडर फॉर्म में, ठीक है, और ज़ीरा है, सो ऑल द मसाला इज़ इन योर चिकन, और हल्दी है और लेमन जूस है। ये लेमन स्क्वीज़र मुझे बहुत पसंद है, इससे बिल्कुल पिप्स यानी इसके बीज अंदर नहीं जाते हैं। और अच्छी तरह फिर आप इसको, बिकॉज अभी गर्म है, आप इसको लगाइए इस मसाले को और आप इसको फिर फ्राई कर दीजिए चिकन को। फिर चावल निकालेंगे प्लेटर पे, हम ये फ्राइड चिकन रखेंगे, मसालेदार मज़ेदार फ्राइड चिकन, और फिर हम इसके ऊपर ब्राउन प्याज डाल देंगे। अगर आपको तलनी है उसी वक्त, मैं तली हुई लेके आई हूँ, ये वाली, ठीक है, दैट्स इट। और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा ऊपर एंड आवर रेसिपी विल बी रेडी। अच्छी तरह ये मसाला, अभी ये चिकन बहुत गर्म है, उसको अच्छी तरह मसाला लगाइए और फिर इसको आप फ्राई कर दीजिए। मीनवाइल यहाँ चलिए, ये मैंने देखा था, इट्स नाइस एंड बबलिंग। अच्छा, बाज़ वक्त ऐसे भी हो जाता है कि जब हम स्टीमर में कोई चीज़ रखते हैं या हम अवन में कोई चीज़ पानी में रखते हैं, पानी जब ख़त्म हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर कैसे, तो आपको इसको खोल के बिल्कुल जेंटली केयरफुली पानी और डालना पड़ेगा। अभी इसमें तो पानी है, आई डोंट नीड टू ऐड, ठीक है। और बिकॉज इसमें लाइट है स्टील लाइन के हमारे बिल्ट इन अवन में, तो आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपके अवन में लाइट नहीं है तो बार बार खोलिएगा नहीं प्लीज़ इसको, ये याद रखिएगा। शेफ कुकवेयर में हम खाना पका रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम अपने शो पे, पायनियर्स इन नॉन स्टिक कुकवेयर ऑल्सो प्रेशर कुकर, सबसे पहले इंट्रोड्यूस इन्होंने पाकिस्तान में प्रेशर कुकर किया था। चिकन हो गई थी तब मैंने निकाली है टू फ्राई, ओके, ये याद रखिएगा। स्टॉक होना चाहिए इसमें मौजूद ताकि चावल पके इसी में। अगर आपको इन एक सा गिफ्ट चाहिए तो कोई भी जश्न आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान के लिए समथिंग, अगर आपको कोई मैसेज छोड़ना है तो आप 888-1 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंच फ्राइज कटर है आज इन एक की तरफ से। ठीक है, सो दिस इज़ मसाला एंड लेमन जूस लग के फिर फ्राई होना है और ये चावल हम बिछाएंगे पूरे एक प्लेटर पे, उसके ऊपर फिर ये चिकन जाएगा, थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा और ब्राउन प्याज। सो दिस इज़ आर रेसिपी फॉर टुडे, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक दीजिएगा। चावल में पानी कभी भी पहले से ज़्यादा नहीं डाल देते हैं, इस तरह के जो पुलाव टाइप हम बनाते हैं ना, इसको कहते हैं अब्सॉर्प्शन मेथड, यानी कि चावल में पानी जज्ब होता है, पानी को हम छानते नहीं हैं।
ब्रेक है? अच्छा चलो, जब तक चिकन फ्राई हो रही है, चावल हमारे हो रहे हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। कैरमल कस्टर्ड, अज्जा, चीनी 6 आउंस, पानी आधा कप, अंडे 4 अदद, कस्टर्ड शुगर 1 आउंस, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, दूध 2 कप। तरकीब, पैन में चीनी डाल के लाइट ब्राउन करें और पानी शामिल कर दें, फिर कैरमल फौरन चिकनी डिश या अलग अलग रेमेकन्स में डालें, अंडे और चीनी फेंट कर एसेंस डालें, दूध गर्म करके अंडे के मिक्सचर में मिला के रेमेकन्स में डालें और पानी से भरी ट्रे में ऐसे रखें कि रेमेकन्स का आधा हिस्सा पानी में हो। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 मिनट बेक करें, पूरी रात ठंडा रखने के बाद सर्व कर दें। चिकन अज्जा, चिकन 1 किलो, चावल 2 कप, प्याज 2 अदद बड़ी, नमक 2 चाय के चम्मचे, तेल 2 खाने के चम्मचे। चिकन स्टॉक के लिए दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची 5 अदद, सूखी लाल मिर्च 3 से 4 अदद, लौंग 5 अदद, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मचा, तेज पत्ते 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चाय का चम्मचा। मसाले के लिए पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मचा, हल्दी 1/2 चाय का चम्मचा, काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मचा, पिसा जीरा 1/2 चाय का चम्मचा, नींबू का रस 1/2 चाय का चम्मचा। गार्निश के लिए प्याज 3 अदद, तेल तलने के लिए। तरकीब, 2 खाने के चम्मचे तेल में कटी प्याज फ्राई करें, फिर दालचीनी, इलायची, सूखी लाल मिर्च, लौंग, काले मिर्च और तेज पत्ते शामिल करके अच्छी तरह फ्राई करें, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और चिकन मिक्स करें और पानी मिला कर ढक दें। चिकन तैयार हो जाए तो पतीली से निकाल लें, पतीली में पानी की मकदार 4 कप हो तो चावल डालकर पका लें, लाल मिर्च, जीरा, काले मिर्च, हल्दी और नींबू का रस मिक्स करके चिकन में अच्छी तरह मिक्स करें, 10 मिनट मैरिनेट करके 2 खाने के चम्मचे तेल में हल्का सा फ्राई करें। अब पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लें, तेल गर्म करके प्याज खस्ता और गोल्डन फ्राई करें, पकी चिकन राइस ट्रे पे रखकर सैलेड या ग्रेवी के साथ सर्व करते हैं। जी वेलकम बैक। देखें, तवा नीचे रख दिया था, चावल हमारे हो गए हैं, ये देखा आपने, एज आई टोल्ड यू अब्सॉर्प्शन मेथड, ठीक है, छानना नहीं है, और खिले खिले चावल हैं, ये याद रखिएगा कि पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, भाप में ही पक जाएंगे। सो नाउ आई नीड टू टेक देम आउट। तो यहाँ प्लेटर पे आप चावल पहले निकालेंगे, जो चिकन आपने तेल में फ्राई की थी मैरिनेट करने के बाद लेमन जूस और मसालों के साथ, वो भी मैंने यहाँ निकाल दी है, ठीक है, और पहले हमने चिकन को ऑब्वियसली पकाया था। सो आई होप आपने आज का शो देखा होगा, आप ये रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा और फिर आप मुझे 8:30 बजे रिपीट में भी देख सकते हैं आज ही, ठीक है, और कल का शो 3 बजे लाइव है तो देखना मत भूलिएगा। तेज पत्ता निकाल देंगे बिफोर सर्विंग। अच्छा, इस पे मैं ब्राउन प्याज डालूंगी और हरा धनिया। सो वी विल पुट आवर चिकन हियर। और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी ब्राउन प्याज ऑन द साइड। इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और ये भी रेडी। चलिए जी, टाइम टू एंड आर शो, दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मजा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।
some masala to your life.